Assalamu alaikum guys, it's Humble Ahmed here again. Welcome to my YouTube channel. Well, ये हमने एक सिस्टम लगाया है सोलर सिस्टम आर ओ प्लांट पे. इस पर हमने इन्वर्टर यूज़ किए हैं दो 3-3 किलो वाट के रिकार्डो क्राउन माइक्रो के. इसकी पीवी इनपुट 4 किलोवाट है और इसकी जो आउटपुट है वो 3 किलोवाट है मैक्सिमम. ये वोल्ट मीटर है, एक वापडा इनपुट है और एक सोलर आउटपुट है. इस वक्त वापडा डिस्कनेक्टेड है, ये ब्रेकर गिरा हुआ है वापडा का कॉर्नर का. एबीबी का ब्रेकर हमने वापडा पे लगाया है, सोलर के आउटपुट पे हमने होंडा का ब्रेकर लगाया है और जो सोलर पैनल से हमारे पास इनपुट आ रही है उस पर हमने शिनाइडर का ब्रेकर यूज़ किया है डीसी, और मिशोबिशी का हमने इस पर ब्रेकर यूज़ किया है 80 एम्पीयर्स का बैटरी बैंक के ऊपर. लेकिन इसमें से सिर्फ हमने फेज़ गुजारा है, ऊपर से फेज़ हमने लूप किया है. ये हमारी सीटी है जिसपे से हमने आउटपुट पे फेज़ गुजारा हुआ है. ये चेंज ओवर, ऊपर वोल्ट लाइट्स और ये हमारा एम्पीयर मीटर. ये हमारे आउटपुट की लोड की डीबी है. इस पर हमने लोड के हिसाब से ब्रेकर लगाए हुए हैं 32 एम्पीयर, 16 एम्पीयर और 6 एम्पीयर का. अच्छा, इस पर हमने जो वापडा इनपुट पे ब्रेकर लगाया वो 32 एम्पीयर का लगाया है, होंडा का ब्रेकर लगाया हमने सोलर आउटपुट पे और 63 एम्पीयर का ब्रेकर लगाया है डीसी सोलर इनपुट पे जो सोलर पैनल से हमारे पास आ रहे हैं. ये पानी इसके पास नहीं आता है घर में, वो केबल लेके जाता है. अच्छा, इस पर हमने बैटरीज बैंक लगाया है फिनिक्स 1800 टेक्स 230 एम्पीयर के दो बैटरीज लगाई हैं, दोनों को हमने सीरीज किया 24 वोल्ट पे, इसको हम यूज़ कर रहे हैं और लोड डिवाइड किया है. एक इन्वर्टर पे हम चला रहे हैं ये VFD 2.2 किलोवाट की. और इस VFD पे चल रहा है आर ओ प्लांट का प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप. एक इन्वर्टर पे सिर्फ यही हाई प्रेशर पंप चल रहा है 2.2 किलोवाट का. और दूसरे इन्वर्टर पे हमने कनेक्शन दिए हैं दो पंप्स के, 1.1 किलोवाट का एक पंप दिया है हमने इस पर और 1 HP का हमने इस पर एक पंप और लगाया है. एक ये पंप चल रहा है दूसरे इन्वर्टर पे और इस पंप के अलावा एक डोजिंग पंप है 1 HP का, वो चल रहा है. ये फीडिंग पंप है और ये जो दो छोटे पंप लगे हुए हैं डोजिंग के लिए ये भी इसी इन्वर्टर पर है और जो लैंडिंग लोड है वो भी उसी इन्वर्टर पर है. और आपको जो आर ओ प्लांट सॉल्व किया इसका भी पता चले, ये 5000 गैलन का आर ओ प्लांट है, 5000 गैलन का ये आर ओ प्लांट है और इसमें तकरीबन जो प्रोडक्शन आ रही है कितनी आ रही है बेटा? 15000 गैलन ये ले रहा है रॉ वाटर और 12000 गैलन जो है ये कंडेम कर देता है और उसमें प्रोडक्ट देता है 3000 गैलन. 25% प्रोडक्शन है इसकी. इसकी मेम्ब्रेन है, इसके पीछे का सैंड फिल्टर प्लांट है. आज इनॉग्रेशन है इसकी, इनके मैनेजर्स वगैरह भी आए हुए थे, लेट हो गए हम लोग.
नहीं तो अब सोलर पैनल भी आपको दिखा देते हैं। इस पे हमने 320 वाट की 20 पैनल लगाए, हर इन्वर्टर में 10-10 पैनल सीरीज में लगाए हुए हैं। इस पे आयरन स्ट्रक्चर पे आयरन स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, इस पे 16 गेज का हमने पाइप यूज़ किया है, गोल पाइप 3 इंची का, और ऊपर हमने यूज़ किया है 16 गेज में चौरस पाइप यूज़ किया है 1.25x1.25 का। ये डीबी जो है वो वापडा इनपुट है मेन जो आ रही है, लेकिन ये डिस्कनेक्ट की हुई है, ये हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जब भी यूज़ करेंगे तो इसको ये रेडी टू यूज़ है, यूज़ कर सकते हैं। इस पर हमने मोलर का ब्रेकर लगाया है 63 एम्पीयर का, और इसके साथ में SPD लगाई है शिटैक की 15 किलो एम्पीयर, 30K इसकी IMX है SPD की। ये सर्च के लिए कंट्रोल के लिए लगाइए कि खुदा ना खासा कभी वापडा के इनपुट पे सर्च आए तो वो इन्वर्टर तक ना जाए, ताकि हमारा इन्वर्टर सेव हो जाए। इस प्लांट की दिसंबर की जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारे पास आ रही है पर आर, वो तकरीबन 3.5 किलोवाट आ रही है पर आर प्रोडक्शन जनरेशन जो आ रही है सोलर से, और जून जुलाई में ये जाएगी इंशाल्लाह 4.8 किलोवाट तक जाएगी इंशाल्लाह, मिनिमम लीज की बात कर रहा हूँ मैं पर आर अभी, क्योंकि इसका टिल्ट हमने जो रखा है वो कम रखा है, और इसका जो टिल्ट रखा है हमने वो रखा है 12 डिग्री, जिसकी वजह से सर्दियों में इसकी प्रोडक्शन कम आएगी और गर्मियों में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी, क्योंकि गर्मियों में जो सूरज होता है वो ऊपर होता है, और एज पर बहुत मशहूर पोएट सेइंग कि टिल्ट जितना ऊपर होता है उतना सूरज ज़्यादा बिजली बनाता है, टिल्ट जितना नीचे होता है उतनी बिजली कम बनाता है, मशहूर पोएट ने कहा है, तो उसको हम कॉपी करेंगे, अपने हिसाब से यूज़ करेंगे उसकी सेइंग को। वेल गाइस, ये हमने आरओ प्लांट पे लगाया, आरओ प्लांट की इनोग्रेशन तो आज है, सिस्टम ने इंस्टॉल किया तकरीबन कोई 15 रोज़ पहले, और 15 दिन से प्रोडक्शन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे हमारे पास जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी 2.2 किलोवाट के पंप के ऊपर, पहले हमने 2.2 किलोवाट का पंप लगाया था सिंगल फेज में, उसका जो टॉर्क जा रहा था वो जा रहा था कोई 28 एम्पीयर 30 एम्पीयर का, तो वो फेलियर था हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है 3 किलोवाट का वो इतना टॉर्क बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ट्रिपिंग की तरफ जा रहा था। तो फिर उसके बाद हमने ये किया कि जो आरओ प्लांट के ऊपर हाई प्रेशर पंप था 2.2 किलोवाट का, उसको हमने रिप्लेस किया 3 फेज से। 3 फेज से रिप्लेस करने के बाद हमने उस पर लगाई VFD, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइवर में लगाने के बाद उसका टॉर्क कंट्रोल हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो प्लांट है वो बखूबी और बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन से चल रहा है। थैंक यू गाइस, आप लोगों के कमेंट्स हमें हौसला अफजाई करते हैं, हमारे लिए काफ़ी हौसला अफजा होते हैं, और हमारे सिस्टम में आपको कोई खामी नज़र आए तो प्लीज़ हमें आप इन्फॉर्म कीजिए, हम कोशिश करेंगे उन खामियों को दूर करने की, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने की, और हम अपनी गलतियों से भी सीखना चाहते हैं, और हम लोग बहुत सारी गलतियां भी करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते भी हैं। सजेशन और आप लोगों के सजेशन जो हैं वो वार्मली वेलकम है, आप हमें सजेस्ट कीजिए कि हम अपने सिस्टम्स को, हम अपनी इंस्टॉलेशन को किस तरह मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलामु अलैकुम।